का है ए, सेकंड का है सी, थर्ड का है सर सर बी। सर 14 का सी कैसे हो सकता है सर, ये कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता, या तो ऑक्टेटोन ब्रेक हो जाएगा। बेटा ये तो एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन? पर सर साइंस में रूल थोड़ी ना ब्रेक हो सकता है। ये किसने कहा तुमसे? एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री का रूल है, और संभाल के रखना रिवीजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हंस क्या रहा है बे? हर साल 3 नंबर आए तेरे, तेरे 2 क्वेश्चन आता है। सर बनाना मोन तो खुद एक एक्सेप्शन है। बेटा ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं, इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल क्लास लगा लेते हैं। अच्छा? हाँ। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नहीं होगा क्या? अच्छा ही पढ़ाएंगे ना, वो तो ये भी पढ़ा रहे। मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये, सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेटोन में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे, 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल है। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे बोस मॉडल, हाइजेनबर्ग्स मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है, और थ्योरी होगी भी कैसे, कैसे होगी बताओ? थ्योरी देते थे आइंस्टाइन न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो ये चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2 -7 +3 -8। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों? मैथ से सीखो कुछ, सीखो 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए फाइनल, पर यहां इनके एलिमेंट्स तक नहीं आया आज तक। हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है, बूम इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुनिजियम। नहीं नहीं नहीं, निकुनिजियम संस्कृत का मंत्र रखना, इससे आसान होता है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहां हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है, कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रोटेन एक्सपेल, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रो अफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अबे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रेंड कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए, असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आ गया बेटा, 3 3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या? घंटा